लोकल और ग्लोबल दोनों। एकदम देसी स्टाइल फूड बट विथ गोरा ट्विस्ट। ओनली ऑन Aplus। अस्सलाम जनाब, वेलकम टू द शो। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, आपके रोज अच्छे जा रहे होंगे और आप वेट कर रहे होंगे कि आज लेट्स सी सादत क्या कुक कर रहे हैं। ड्रमस्टिक, और मुझे लगता है कि बड़ी मजेदार रेसिपी, इजी है। अच्छा, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि इसको आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, 30 स्पून टेबल स्पून के हिसाब किताब ना रखें। होगा क्या कि आपने मर्जी से मसाले डालें, कम पसंद है कम डालें, कोई चीज़ नहीं है, आगे पीछे मिक्स कर लें, यू नो मैनेज कर लें। और दूसरा, कुछ फ्लेवर्स को आप जानते हैं तो आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ड्रम स्टिक बेसिकली इसको यूँ कहा जाता है कि ये ड्रम स्टिक जैसे होती है आगे से मोटी, और वैसे ही होती है। क्योंकि मोटी बहुत होती है तो अंदर तक इसका गोश्त गलने का बहुत ज़्यादा इशू रह जाता है, खासकर फ्राइंग करेंगे इसको, दो हिस्सों में पकाएंगे। अब मैं हल्का सा पोक कर रहा हूँ उसको, अगेन मैं चीरा नहीं लगा रहा बहुत ज़्यादा, ये टूट जाएगा, पर हल्का सा छुरी की नोक से, खासकर जहाँ जहाँ हड्डियाँ हैं ना उस तक ज़रूर आप पहुँचा दें। दो बातें, मसाला भी इसके अंदर तक चला जाएगा, रच बस जाएगा, और दूसरा ये जो चिकन को कच्चा रहने का अंदेशा होता है तो वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने 6 ली हैं। अब आपको अपने घर में फी आदमी 2, 4, 6 ये आप मैनेज कर लीजिएगा। अच्छा, हमने करना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, चिकन को लेके इसके अंदर कुछ मसाले हम शामिल करेंगे, और मसालों में कोई 2 टेबल स्पून के करीब दही और साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला आपने। आई लव लाल कुटी मिर्चें, तो मैं थोड़ी सी इसमें लाल कुटी मिर्ची डालूंगा, 1/2 चाय का चम्मच, और लाल पिसी मिर्चें ये भी 1/2 चाय का चम्मच शामिल कर लेंगे इसके अंदर। और साथ ही साथ हल्दी बिल्कुल ना होने के बराबर 1 चुटकी, देखें बिल्कुल 1 चुटकी, और 2 चुटकी जिसको कहेंगे 2 चुटकी, 1/4 चाय के चम्मच से भी हल्की है ये। और थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच, और धनिया और जीरा पाउडर ये भी 1/4 चाय का चम्मच और 1/4 चाय का चम्मच, 1/4, 1/4, सही जी। और इसको आपने मिक्स कर लेना है, और इसमें चिकन जो आपने बनाई थी ये इसमें डाल दें, और इसको अच्छी तरह से मसाला लगा दें। मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं तो ज़रा इसको जल्दी कर दूंगा, लेकिन आपसे मेरी एडवाइस ये है कि इसको मसाले को लगा के कोई रखें जनाब कोई 2 से 3 घंटे फ्रिज के अंदर, और हर थोड़ी देर बाद जाके फ्रिज में से इसे ऊपर नीचे कर ले ताकि मसाला अच्छी तरह से लग जाए। अब यहाँ पे चूंकि टाइम कम है तो मैं हाथ के हाथ ही बना रहा हूँ। अब एक कढ़ाई ले लें या पतीली ले लें, इसमें आप उसको ऐसे ही डाल दें। आपको लगता है कि आपको ऑयल की ज़रूरत है तो 1 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल दीजिएगा, क्योंकि ये पानी खुद छोड़ेगी, हमें इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है, ये पानी छोड़ेगी। और मैं ऑयल डालना भी नहीं चाह रहा, ऑयल से मुझे इशू ये है कि ऑयल जब इसमें डलेगा इस पर अगली कोटिंग करनी है वहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा सा बस इसमें आपने हल्का सा पानी इनिशियल स्टेज के, ताकि पानी हेल्प कर दे उसको पानी उबाल आने में, तो मैं कोई 1/2 कप पानी ये डालता हूँ। 1/2 कप पानी डालने के बाद इसको आपने ढक के रख देना है, इसको उबाल आने पर, उबाल आ जाए पानी में तो आँच इसकी हल्की कर दे धीमी आँच पर, कोई 15 मिनट आपने इसको पकाना है धीमी आंच पे, ताकि गोश्त अंदर तक इसका बिल्कुल पक्का पक जाए। मेक श्योर कि हड्डी बस गोश्त छोड़े ना, टूटे ना, वरना फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, जब तक ये उबाल आ रहा है इसका, और आप उबाल बल्कि आप देख सकते हैं पानी में एक तेज़ी आ गई है, और थोड़ी देर बाद इसको मैं बेशक आप उबलते वक्त में हल्का सा अलट पलट लीजिएगा, ताकि हर तरफ से मसाला आपका कच्चा ना रहे। अब मैं इसकी आंच धीमी कर दूंगा, और मेक श्योर कि आखिर में जब इसको आप उतारें तो आपका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका हो, इसमें पानी बिल्कुल ना हो।
इसका जो दूसरा मरहला है उसमें हमें आलू, उसमें आलू की कोटिंग करेंगे। उसके लिए आपको चाहिए उबले हुए आलू, इनको भुरता कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से 1.5 से 2 कप, 2 कप आलू काफ़ी होने चाहिए, 2 कप आलू। और इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, लाल पिसी मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, हल्दी पहले की तरह 2 चुटकी कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ पे हाँ सर ये हो गया, इसमें ज़रा 1 चाय का चम्मच नमक डाल दें, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर नमक नहीं डाला तो चीज़ आपकी अंदर की चिकन है बड़ी बोरिंग बनेगी। अच्छा जी, ज़बरदस्त, ओह पे पकड़ लिया। अब इसकी आँच, इसका दरमियानी आँच पे पकाएंगे हम। अच्छा जी, नमक मैं कोई 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डाल रहा हूँ, धनिया और ज़ीरा ये भी 1 चाय का चम्मच अच्छी तरह मसल के। आलू बड़े बोरिंग होते हैं, यू नीड टू ऐड फ्लेवर टू आलू। सही जी, ये हो गया धनिया और ज़ीरा। अब इसमें डालेंगे पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने पुदीना ले लिया है और थोड़ा, अच्छा आप चाहें तो इसको पीस के एक जगह रख सकते हैं, मैं बस रफ चॉप कर लूँगा। ज़बरदस्त, इस पर नज़र रखेंगे अपनी। अच्छा हाँ, इसमें मसाले में हल्की सी टार्टरी ज़रा खटास लेके आएगी, तो मैं कोई 1 से 2 चुटकी टार्टरी, दाना मोटा होता है तो आपको थोड़ा सा अच्छी तरह मसलना है ताकि टार्टरी बिल्कुल पिस जाए। अच्छा यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ले ली, अब ये आपको पसंद है कितनी तेज़ मिर्चें हैं, तो मैं इसे 2 ही डाल लूँ। आप तमाम चीज़ों को लेके आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें अगर चाहें, अब इतनी सी छोटी सी चीज़ के लिए कौन ग्राइंडर निकाले। तो तमाम सब्जियों को, हरा धनिया, हरी मिर्चें, इनको ज़रा आपने रफ चॉप कर लेना है, तो अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। हरा धनिया, हरा पुदीना, थोड़ा थोड़ा, दिस गोस लॉन्ग वे। ये आपने लिया, इसमें आप मिला के, अब आपका ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें तैयार हो गई हैं, यानी बेसिक जो हमारा इंग्रेडिएंट था। अब इसको आपने अच्छी तरह हाथ से मिला लेना है। हम क्या करेंगे, जब तक मेरी ये चिकन जो है ये भी कुक हो जाएगी, और मैं चिकन को थोड़ा ठंडा कर लूँगा ताकि ईजी टू हैंडल हो, बहुत गर्म ना हो। मसाला यहाँ पर आप लगा लें, ये स्टेज है कि किसी बच्चे को नमक चेक करा ले, अगेन बच्चे सही से बता तो नहीं पाते कि नमक सही ही नहीं है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए बस आई एम श्योर दिस शुड बी फाइन। तो इसको मसाला आपने बना लिया है, आलू को अच्छी तरह मैश कर लें। इसके लिए कोशिश करें आलू बहुत इसमें बड़े पीसेस ना हो, जितना अच्छा मैश कर सकते हैं चाहे मैशर से मैश कर लें। इसको मैश करके हम रखते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे अगला स्टेप बताएंगे इसको आगे कैसे बनाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ओके जी, यहाँ पे ड्रमस्टिक मैंने कुक कर लिया, मैं दिखा दूँ, मैंने करके बाहर निकाल दी थी थोड़ी देर ताकि हवा आ जाए। ये बहुत थोड़ा सा इसका पानी रह गया, खुश्क हो गया ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे मुझे लगा कि मेरा काम ख़त्म हो गया, तो मैंने इसको यहीं रोक दिया था। और अब हम क्या करेंगे कि ऑयल को थोड़ा सा हल्का खोल लेते हैं, हल्की आँच पर ऑयल को। अच्छा यहाँ पर चिकन देख लें आपकी बहुत ज़्यादा नहीं गली है, बट दिस राइट गली, आप चेक कर लीजिएगा। मुझे एक अदद मैदा चाहिए और अंडा, 2 अंडे शुड बी मोर देन इनफ। लेट्स स्टार्ट विथ 1 और फिर हम उसके बाद अगर 2 ले लेता हूँ मैं, आई एम श्योर आई एम गोना यूज दिस। और अंडे को अच्छी तरह फेंट लीजिएगा, ये ना हो कि अंडे के जो तार है ना ये आपने ख़त्म करने, वरना ये थोड़ा सा बॉदर करेंगे। अच्छा आई कॉल इट 3 बॉल मैथड, बड़ा सिंपल सा मैथड है। उसमें क्या होगा कि उसको 3 जगह कोट करेंगे, प्रीटी मच अगर मैं ब्रेड क्रम से कोट करता हूँ, 2 मेथड होते हैं। एक तो हम यहाँ पे मैदे में पानी लगा लेते हैं डाल के, इन वो भी आप कर सकते थे, और इन दिस केस में मैदे में अंडा लगा, अंडा और मैदा अलग कर रहा हूँ ब्रेड क्रम्स। सही जी, यहाँ पे क्या करेंगे कि ब्रेड क्रम्स ले लेता हूँ मैं, इसमें
ये मेरे घर के ब्रेड क्रम्स हैं अगेन। यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा नमक, मैं मैदे में हल्का सा नमक, मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा बैलेंस रहता है, हल्का सा नमक मैदे में डाल दें और चुटकी भर नमक। अच्छा अब हम क्या करेंगे, मैंने चूंकि रेस्ट दिया था नहीं तो इवन टाटरी की मुझे याद आया, टाटरी को थोड़ा सा अगर आप एक चाय के चम्मच पानी में घोल देंगे ना तो टाटरी का दाना खत्म हो जाएगा, प्रॉपर मिक्स हो जाएगी। ना हो कि टाटरी किसी आपने प्रॉपर मिक्स नहीं किया और दाना के मुंह में आ जाए तो बहुत शदीद उसका मुंह हो जाएगा। एनीवे यहाँ पे आपने हम बहुत पतली लेयर लगाएंगे हाथ से, बेशक आप इस पे एक पतली सी आलू की लेयर, और बहुत मोटी नहीं करूंगा मैं इसको, तो मेक श्योर थोड़ा मैंने कोशिश की ठंडा होने की, गर्म में ज़्यादा मुश्किल से रुकेगा ये, तो मेक श्योर ये ठंडा हो जाए फिर आराम से शेप अप हो जाएगा। ठंडी तो चाहिए दिखाने के लिए, तो कुछ लोग उसको चाप भी बोलते हैं, सही जी ये हो गया। अच्छा आप घर पे हो तो सुकून से इसको पहले तो ये स्टेज बना के रख लें, मैं ऐसे एक दिखा दूंगा, मैं बाद में फिर सारे सुकून से बैठ के बना लूंगा कि आपने मिक्सर अच्छी तरह से इसको आपने, अगर आपके आलू मैश प्रॉपर नहीं हुए तो शायद ये है कि फटने के चांसेस हैं। अब इसको आप रोल कर लें मैदे में हल्का सा, और एक्सेस मैदा आपने झाड़ देना है। मैंने गहरा बॉल इसी लिया है कि मेरा ब्रेड क्रम्स में रुक जाए, आपने ब्रेड क्रम लगाया और सॉरी अंडा लगाया, अब इसको आपने ब्रेड क्रम में आपने प्रॉपरली ये, अच्छा ये स्टेज ऐसी है मैं कहूँगा कि इसको आप बेशक सुबह बना लें और कोई फ्रिज में रखें, या कम से कम एटलीस्ट अगर फौरन फ्राई करना तो आधे घंटे या 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख लें ताकि आपके ब्रेड क्रम्स अच्छे से चिपक जाएं। मैं ये बनाता हूँ फिर आपको दिखाएंगे फाइनल शक्ल कैसी आती है इसकी। ओके जी ये हमारे ड्रम स्टिक को ब्रेड क्रम्स में लगा के रख दिया है, आपके लिए एडवाइस है कि प्लीज इसको आप जरा फ्रीजर में रख लें 10 से 15 मिनट, ताकि होगा क्या नुकसान क्या है, ब्रेड क्रम्स पे गिरेंगे और नीचे बैठ जाएंगे और जब फ्राई करते जाएंगे चीज़ें ख़राब होती जाएंगी, ऑयल आपका काला हो जाएगा और उसके बाद जो भी चीज़ तलेंगे काली हो जाएगी, तो ऑयल आपका साफ रखने के लिए बेहतर तो ये कि मिनिमम ब्रेड या कोई भी कचरा इसमें गिरे, और गिर भी गया तो इफ्तार के बाद आपने सफाई के बाद ऑयल को छानना है और पतीली कढ़ाई को साफ करके फिर से ऑयल डाल दें और 3 दिन के बाद ऑयल चेंज कर लें, जो बचा हुआ ऑयल है फिर छान के उसको खाने में इस्तेमाल कर लें, फ्राई ना करें, कहते हैं क्योंकि जब उसमें धुआं निकल जाए ना तो 3 दफ़ा के बाद वो ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए, मुजरे सेहत है, पर 10 मिनट से आप 4 दफ़ा कर लीजिएगा जो भी है, लेकिन कोशिश करें कम से कम, और बर्तन छोटा लें जिसमें उसको आपने फ्राई करना है। अच्छा यहाँ पे ऑयल आपका गर्म होना लाजमी है जो कि मेरा हुआ चाहता है, गुड। अच्छा ऑयल बहुत गर्म ना हो कि एकदम काला कर देगा, ऑयल बहुत ठंडा ना हो और उसमें ऑयल अंदर चला भी जाएगा और खुलने के चांसेस भी हैं। दूसरा एक और काम, एक तो ओवर क्राउड आखिरी में भी डालूंगा इसके अंदर, वो भी बड़ा बिस्मिल्ला करके। अच्छा होगा क्या कि ऑलरेडी आपकी हर चीज़ कुक्ड है, चिकन आपकी कुक है ऑलमोस्ट तैयार अंदर तक, हमने उसको जिस तरह पकाया था आलू उबले में, तो दिस नथिंग दैट यू आर कुकिंग, अब से आपने वो खूबसूरत ब्रेड क्रम का एक आपने इस पर कलर देना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे घर में आप अखबार यूज़ करते हैं ना यूज़ कीजिएगा भाई, अखबार का मसला ये है कि उसमें इंक होती है, मुझे सेहत है, आई रेकमेंड डोंट यूज़ दी अखबार। इसको आप कोशिश करें ज़्यादा फिलहाल हल्का सा ऑयल हिलाते रहिए ताकि ऑयल ऊपर तक आ जाए, एक दफ़ा अगर आपकी चीज़ें जान पकड़ लें फिर वी कैन इसको टर्न कर लेंगे, हल्का सा घुमा लेंगे, तो थोड़ा सा इसको आप फिलहाल तो मोशन में कर लें, और उसके बाद बहुत ही प्यारे हाथों से सॉफ्ट हाथों से आउट से मैं ये भी नीडा यूज़ कर रहा कहीं टूट ना जाए, हल्का सा इसको हम टर्न कर देंगे। देखिए आलू हैं, कभी इसने छतना पकड़ा हुआ हो आपने कोई तेज चम्मच चलाया हो तोड़ दे, ये आ गया ये गुड। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हल्का सा इसको कहीं आंच कम है कहीं ज्यादा है इसको आपने बस लाइट ब्राउन करना है, बेशक आँच हल्की कर लें इसकी, अब नाइस गोल्डन कलर,
क्या इसको आप ओवन में बेक कर सकते हैं? बिल्कुल जी, क्योंकि आपकी हर चीज तैयार है, इसके अंदर सिर्फ आपने कलर देना है। एयर फ्रायर अगर आपके पास, आप समझ नहीं आ रहा एयर फ्रायर लेके आ गए क्या करेंगे, ऑयल का स्प्रे मारे तो एयर फ्रायर में यूज कर लें, और दूसरा बेक ओवन में बेक कर सकते हैं। क्या माइक्रोवेव कर सकते हैं? नहीं, माइक्रोवेव में ये गर्म कर देगा। अनलेस के आपके पास वन ऑफ दोस माइक्रोवेव जो कि ग्रिल करते हैं, ओवन होता है। मैं बहुत ज़्यादा मैं माइक्रोवेव का अभी यूज़ नहीं करता, मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट मेक श्योर कि इसको आप अगर माइक्रोवेव यूज़ करना है तो वो वाला जो कि जिसमें पिज़्ज़ा बनता हो या ग्रिलिंग जिसमें लिखा हो ना ग्रिल करते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। माइक्रोवेव में बड़े ऑप्शन आते हैं, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर, तो उसमें किताब चाह पढ़ लीजिएगा उसका, उसमें क्या लिखा है उन्होंने। तो बड़े प्यारे सॉफ्ट हाथों से इसको आपने, आइडिया ये कि हमें इवन कलर चाहिए। देखिए अगर बहुत कम खुलाई से हल्का बहुत थोड़ा बहुत ब्रेड क्रम्स आ रहे हैं साइडों में, इसको मैं छान लूंगा बाद में, बट फ्राइंग नाइसली लाइट गोल्डन। अब मैं इसका चूल्हा बंद करके इसको निकाल लेता हूँ, थोड़ा बहुत ऑयल भी है तो यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ब्यूटिफुल ड्रमस्टिक्स, ये बता रही कि ये जबरदस्त ड्रमस्टिक्स। अच्छा जी, इसको हम इस प्लेट पर सर्व करेंगे। आई लाइक टू साथ में केचप, साथ में सर्फ हो उसके, केचप लिया आपने और एक अदद ये, I'm gonna serve 3. Oh, look at this beautiful drumstick. Cannot go wrong, huh? लेकिन इसके साथ जो मजा देगा ना, टर्नी टर्नी इज राइट। रेसिपी तैयार है, हम श्योर इसको आप ट्राई करेंगे, और डू लेट मी नो कैसा पाया आपने इस रेसिपी को। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। ट्राई कीजिएगा घर पे और मुझे बताएं कैसी बनी, मुझे फीडबैक की बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी जरूरत होती है। आपसे इजाजत लूंगा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होती है इसी शो पे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।